Hello everyone, today in this video we read so, our social science civic chapter 4, growing up as boys and girls. So we also know how the different role assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will also learn how inequalities between men and women emerge in the area of work this chapter starts with two case studies to show how girls and boys are brought up or socialized differently this enables to you understand that the process of socialization is not uniform instead it is socially determined and changes continuously over time the chapter also addresses the fact that societies assign different values to the role men and women play and the work they do so let's start in this chapter our learning goals is first gender role second boys and girls third gender inequality fourth value of housework fifth situation of domestic worker the term gender is an often heard term by all of us. It is something all of us experience on a daily basis. It, for example, determines who we are, what we will become, where we can and cannot go, and so on. Our understanding of gender is based on our family and society. For example, मैन जनरली गो आउट टू वर्क एंड वुमेन आर एट होम बट द जनरल परसेप्सन ऑफ दिस डिफरेंट रोल्स डिफर एक्रॉस कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली विच इज अस अंडर जो जेंडर टर्म है ये सब हम सभी के द्वारा अक्सर सुने जाने वाला एक वर्ड है यह एक दैनिक आधार पर हम सभी का अनुभव ही रहा है उदाहरण के लिए यह निर्धारित करता है कि हम कौन हैं, हम क्या बनेंगे हम कहाँ जा सकते हैं और इतने पर नहीं लिंग या जेंडर के बारे में हमारी समझ हमारे परिवार और समाज पर ही आधारित है फॉर एग्जाम्पल जो पुरुष होते हैं वो आमतौर पर काम पर जाते हैं और महिलाएं घर के काम करती हैं लेकिन इन विभिन्न भूमिकाओं के बारे में आम धारणा दुनिया भर के समुदाय में भिन्न है अधिकांश समाज पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग महत्व देते हैं जो कि नीचे के रूप में आगे विस्तृत हैं डिस्टिंक्शन्स बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स मीन्स लड़का और लड़कियों के बीच का अंतर द सोसाइटी ट्रीट्स गर्ल्स एंड बॉयज़ वेरी डिफरेंटली दिस डिस्टिंक्शंस स्टार्ट्स फ्राम अ वेरी यंग एज समस्पेक्ट्स इन विच देयर इज द डिस्टिंगशंस आर अस फॉलर्स जो समाज है वो लड़के लड़कियों और लड़कों को बहुत अलग तरह से मानता है ये अंतर बहुत कम उम्र से ही शुरू हो जाता है जिन पहलुओं में अंतर है उनमें से कुछ इस प्रकार है फर्स्ट टॉइस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर गिवेन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ ट इन अ वे Tell them that दैट uh, the future of the boys and girls when they grow up to be men and women will be very different। जैसे खिलौना जो पहला भेद है खिलौना लड़के और लड़कियों को खेलने के लिए अलग अलग तरह के खिलौने दिए जाते रहे हैं हमारे समाज में एक तरह से खिलौने के खिलौने के माध्यम से उन्हें यह बताया जाता है कि लड़के और लड़कियों का भविष्य जब वे बड़े होते हैं तो पुरुष और महिलाएं होते हैं और वो बहुत ही अलग होता है सेकेंड थिंग से जो डिफरेंस डिस्टेंस डिस्टिंगशंस पैदा करता है वो है ड्रेसेस देयर इज़ अ डिफरेंट डिफरेंसेस इन द वे द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स गर्ल्स एंड बॉयज टू ड्रेस अप बॉयज वेयर शॉर्ट्स एंड शर्ट्स वायल गर्ल्स वेयर स्कर्ट और फ्रॉक कपड़े से जैसे भेद किया जाता है समाज में लड़के और लड़कियों के कपड़े पहनने से यह डिफरेंस किया जाता है कि लड़के शॉर्ट्स और शर्ट्स पहनते हैं जबकि लड़कियां स्कर्ट या फ्रॉक पहनती हैं वे ऑफ टॉकिंग गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू टॉक सॉफ्टली वेयर वेयरस बॉय आर एक्सपेक्टेड टू बी टफ़ जो बात करने का तरीका है लड़कियों से कोमलता से बात करने की उम्मीद की जाती है जबकि लड़कों से कठिन होने की या टफ होने की उम्मीद की जाती है ये हमारे समाज में बहुत छोटे समय से ही बच्चों में यह डिफरेंस या अंतर करना शुरू हो जाता है नेक्स्ट ऑल द बॉयज सॉरी ऑल द एव डिस्टिंगसपे अफेक्ट द सब्जेक्ट स्टडीज एंड द careers chosen by men एंड वुमेन Even the games that men and women play or the work they do are not valued equally men and women do not have the same status इन सभी आगे के जो उपरोक्त अंतर बताए गए थे उनका विषय पुरुष और महिलाओं द्वारा चुने गए करियर को प्रभावित करता है यहाँ तक कि वे खेल जो पुरुष और महिलाएं खेलते हैं या जो काम करते हैं वे समान रूप से मूल्यवान नहीं हैं पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा नहीं दिया गया है नेक्स्ट वैल्यूइंग हाउस वर्क हमारे जो हाउस वर्क हों उसका कितना वैल्यू दिया गया है ये आगे हम देखेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड द मैन रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली इज दैट ऑफ द वुमेन इट इन्वॉल्वस मल्टी टास्किंग स्किल्स एट द वर्क वूमेन डू नॉट वुमेन डू इज़ नॉट रिकोगनाइज अस वर्क इट इज़ कॉन्सिडर्ड अस समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन एंड दे हैव टू डू इट दे आर दे आर फॉर नाट पेड फॉर इट आल्सो जो वैल्यूइंग हाउस वर्क है दुनिया भर में घरेलू काम और परिवार के की देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही है इसमें मल्टी स्किल भी शामिल है फिर भी काम करने वाली महिलाओं को काम के रूप में मान्यता नहीं दी जाती यह कुछ ऐसा माना जाता है कि महिलाएं महिलाओं के लिए स्वाभाविक रूप से ही यह करना जरूरी है इसलिए यह इसलिए ये जो महिलाएं काम कर रही हैं उसको पे करने का पे नहीं करते हैं लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स मैनी होम्स इस्पेशली इन अर्बन एरियाज employ domestic workers they do a lot of work including washing utensils clothes sweeping mopping cooking etc most of them are women though sometimes even young boys and girls are employed for such work the wages are low since domestic work does not have much value but their life is very challenging और डोमेस्टिक वर्कर्स डे में स्टार्ट अस अर्ली अस फाइव इन द मॉर्निंग एंड इन एट मिड नाइट इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सो मच एफर्ट द डोमेस्टिक वर्कर्स आर जनरली ट्रीटेड इन अ वेरी इनह्यूमन वे बाय देयर एम्प्लॉयर्स जो घरेलू कामकारों का जीवन है कई घरों में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में घरेलू जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो काम करते हैं वे बहुत सारे काम करते हैं जिनमें से कपड़े धोना झाड़ू लगाना खाना बनाना ये सब शामिल हैं उनमें से ज़्यादातर महिलाएं होती हैं हालांकि कभी कभी ऐसे कामों के लिए जो यंग बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनको भी लगाया जाता है और लेकिन मजदूरी उनकी कम है क्योंकि घरेलू काम को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता लेकिन उनका जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है एक डोमेस्टिक वर्कर का दिन सुबह पाँच बजे शुरू हो जाता है और जो कि आधी रात को समाप्त होता है इतना प्रयास करने के बावजूद जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको आमतौर पर उनके जो एम्प्लॉ एम्प्लॉयर हैं या जो उनको रखते हैं उनके द्वारा बहुत ही अमानवीय तरीके से व्यवहार किया जाता है चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन महिलाओं के सामने क्या चुनौतियाँ होती हैं द फॉलोइंग आर द चैलेंजेस फेस्ड बाई वुमेन इन देयर डे टू डे लाइफ जो महिलाओं का जीवन है उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हर दिन आती हैं वॉट वी कॉल हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व डिफरेंट टास्क सॉरी डिफरेंट टास्क विच आर फिज़िकली डिमांडिंग सम ऑफ सच टास्क डन बाई वुमेन आर फेचिंग फिशिंग वाटर फ्रॉम द डिस्टेंस कैरिंग हैवी लोड्स ऑफ फायरवुड वॉशिंग क्लॉथ्स क्लिनिंग सिपिंग एक्सेट्रा जो महिलाओं के जीवन में चुनौतियां हैं जिसे हम गृह कार्य कहते हैं उनमें वास्तव में बहुत सारे काम शामिल होते हैं जो कि शारीरिक रूप से मांग बहुत ज़्यादा मांग करते हैं या काम करवाते हैं महिलाओं के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य हैं जैसे दूर से पानी लाना जो लकड़ी जो जलाने के लिए काम में लाई जाती हैं उनको उठा भारी भार उठाना कपड़े धोना सफ़ाई करना इत्यादि ऑल द एब वर्क रिक्वायर्ड बेंडिंग lifting एंड कैरिंग वर्क लाइक कुकिंग involves स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ the गैस बर्नर फॉर लॉन्ग hours hence नॉट ओनली the वर्क ऑफ मैन बट आल्सो the वर्क ऑफ women इज वेरी स्ट्रे स्ट्रेन स्ट्रेनस जो उपरोक्त जितने भी काम बताए गए कार्यों में उन सभी कामों में झुकना उठाना और ले जाने की आवश्यकता होती है खाना पकाने जैसे काम में लंबे समय तक गैस के बर्नर के सामने वुमेंस को खड़े रहना होता है इसलिए न केवल पुरुषों का काम बल्कि महिलाओं का काम भी बहुत ही स्ट्रेनस है मतलब बहुत ही मेहनत वाला है टाइम कंज्यूमिंग जॉब द हाउस वर्क डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ वी एड अप द वर्क डन बाई वुमेन एट होम एंड आउटसाइड होम वी विल फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मोर आवर्स वर्किंग दैट मैन दे हैव मच लेस लेसियर टाइम जो समय टाइम कंज्यूमिंग जॉब है घर का काम बहुत समय मांगता है यदि हम घर और बाहर के घर में महिलाओं द्वारा किए गए कामों को जोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि महिलाएं पुरुषों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा और कई घंटों तक काम करती हैं उनके पास आ, मतलब उनके, उनके पास रेस्ट करने के लिए या आ, आ, आराम करने के लिए बहुत कम समय होता है वुमेन वुमेन वर्क एंड इन इक्वालिटी, वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी महिलाओं का काम और उनके लिए क्या समानताएँ हैं आगे हम इसमें स्टडी करेंगे हाउ लो हाउ लॉ वैल्यू अटैच्ड टू अ वुमेन्स वर्क इज अटैक एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ इन इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन दिस हैज़ बीन देयर फॉर एजेस इट हैज़ टू बी डेल्ट विथ एट द फैमिली लेवल एंड आल्सो बाय द गवर्नमेंट महिलाओं के काम से जुड़ा कम मूल्य वास्तव में पुरुषों और महिलाओं के बीच बहुत बड़ी असमानता और बहुत बड़ी प्रणाली का हिस्सा है युगों से यही माना जाता रहा है और इसे पारिवारिक स्तर पर सरकार द्वारा भी निपटाया जाता है जाना है गोरमेंट्स रोल इन इंश्योरिंग इक्वालिटी Uh, Equality is an important principle in our constitution, but in reality, inequality on the basis of gender exists. The government is therefore committed to understanding the reason for it and taking steps to solve it. For example, it understands that the responsibility of home and child care falls on women. दिस देयर फोर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स एंड कैन अटेंड स्कूल वेदर वुमेन कैन गो फॉर वर्क और वॉट काइंड ऑफ वर्क दे कैन टेक टेकअप रेमेडी टू द सिचुएशन द गर्मेंट हैज़ देयर फोर जो समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या भूमिका है यह हमारे संविधान में समानता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वास्त, लेकिन वास्तव में जेंडर के बेस पर असमानताएं आज भी मौजूद हैं इसलिए सरकार इसके कारणों को समझने और इसे हल करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है फॉर एग्ज़ाम्पल यह समझना कि घर और बच्चे की देखभाल की ज़िम्मेदारी महिलाओं पर आती है इससे इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि क्या लड़कियां स्कूल जा सकती हैं चाहे महिलाएं काम पर जा सकती हैं या वे किस तरह का, का काम कर सकती हैं इस स्थिति के उपाय के रूप में सरकार ने कुछ आ, रेमेडी लिए हैं वो जैसे सेटअप एन ंगनबाडीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सॉरी सेटअप आंगनबाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन मेनी विलेजेस इन द कंट्री सरकार ने देश के कई गांवों में आंगनबाड़ी और बाल बाल देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं पास्ट लॉस डैट मेक इट मैंडेटरी ऑफ और ऑर्गेनाइजेशंस डेट हैव मोर देन थर्टी वुमेन एम्प्लॉयीज़ टू प्रोवाइड्स क्रिश फैकल्टीज दिस हेल्प वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड होम एंड गर्ल्स टू अटेंड स्कूल जो कानून पारित किया गया है उसके अनुसार तीस से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठन के लिए अनिवार्य बनाए गए क्रैच सुविधाएं हैं जहां महिलाओं को घर से बाहर रोजगार देने में मदद मिलती है और लड़कियों को स्कूल जाने में हेल्प मिलता है सो इन दिस चैप्टर we are uh, uh, no being a boy or girl is an important part of one's identity the society we grow up in teaches teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys what boys and girls can or cannot do um, i hope you all understood very well thank you